क्या तुम भी अपना पुराना प्यार वापस पाना चाहते हो? तुम उसे भूल नहीं पा रहे। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रहा है। अपनी एक्स को अपनी प्रेजेंट बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पूरी चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये चीजें समझनी होगी कि इस बार ये इतना आसान नहीं होगा। इस बार तुम्हें बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ेगी, मे बी कि वो तुम्हारी लाइफ में वापस ना आए। बट हाँ, इन सारी चीजों के बाद तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन होगा कि एटलीस्ट तुमने कोशिश तो करी। अदरवाइज पूरी लाइफ इस चीज को लेकर पछताओगे कि काश मैंने फिर से एक मौका दिया होता। मैं उसे अभी भी भूल नहीं पा रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे खोकर। ऐसी चीजें तुम्हारे साथ नहीं होगी। देखो, तुम्हारा ब्रेकअप किसी भी रीजन की वजह से हुआ है, वो सारी चीजें भूल जाओ। लेकिन अब तुम्हें ये चीजें फिर से एक बार ट्राई करनी होगी, कोशिश करनी होगी। सबसे पहले तुम्हें चेक करना होगा कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ का स्टेटस क्या है। क्या वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी है? क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया है? या फिर वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है? क्या वो फिर से तुम्हारे साथ आने के लिए रेडी है, या फिर वो शादी का प्लान कर रही है? ये सारी चीजें तुम्हें पता करनी होगी। अब तुम इस चीजों को पता कैसे करोगे? तो इसके लिए तुम हेल्प ले सकते हो अपने दोस्तों का या फिर उसकी दोस्तों का। उसके लाइफ की अपडेट जानने के लिए तुम उसे डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हो कि वो कैसी है। स्पेशल ओकेजन का भी तुम हेल्प दे सकते हो कि उसके बर्थडे में तुमने विश किया, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन है जिसमें तुमने उन्हें उसे विश किया या फिर मिलने की कोशिश की। किसी भी तरीके से जानो कि उसकी लाइफ का स्टेटस क्या है। देखो, इतनी जल्दी कोई भी लड़की मूव ऑन नहीं होती अगर वो तुमसे सच्चा प्यार कर रही है तो। लेकिन वो प्रिटेंड करेगी, ऐसा दिखाएगी खुद को कि वो आगे बढ़ चुकी है। अब उसके लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा वो अपने गुस्से के कारण करती है, अपने एंगर और ईगो को दिखाएगी। बट तुम्हें अपने एंगर को कंट्रोल करना होगा और उसके गुस्से को थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा और अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना होगा कि तुम उसे सचमुच मिस करते हो और अपने रिलेशनशिप को दोबारा एक चांस देना चाहते हो। अपने ईगो और गुस्से के कारण वो अपने प्यार को छुपाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने प्यार का एहसास उसे कराना होगा। एहसास कराने के लिए तुम बहुत सारी चीज़ों की हेल्प ले सकते हो, जैसे कि तुम और तुम दोनों ने एक साथ जितनी भी चीज़ें की हैं, यानी कि अपने पास्ट की जितनी भी मेमोरीज हैं, स्वीट मेमोरीज हैं, उन सबको एक दूसरे के साथ शेयर करो। उसे दिखाओ कि तुम अभी भी उसे मिस करते हो और अभी भी तुम सिंगल हो। इस चीज़ की प्रॉमिस और इस चीज़ को दिखाओ कि हाँ, फील कराओ कि तुम उसे मिस करते थे, तुम उसके जाने के बाद तुम्हें क्या क्या तुम्हारी लाइफ में हुआ। तुम ये सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करो। अब इन चीज़ों को शेयर करने के लिए तुम उससे मिल भी सकते हो। देखो, फिर से वो एक दूसरे को जानो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे ही बिहेव करो। एक नई शुरुआत भी कर सकती हो। देखो, दोस्ती की तरह ही आगे बढ़ो और फिर से एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। एक दूसरे को थोड़ा टाइम भी दो। देखो, तुम उसे अपने लाइफ में वापस चाहते हो, लेकिन फोर्स करना ज़रूरी नहीं है। उसे फोर्स मत करना। देखो, रिलेशनशिप में बने रहने या फिर मैरिज करने के लिए उसे फोर्स करना सही नहीं होता, क्योंकि फोर्सफुली कोई भी तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तुम उसे फोर्स नहीं करो, तुम उसे प्रपोजल दो। उसे प्रपोज करो कि हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ रहें, तो तुम उसके सामने एक प्रपोजल रख सकते हो। अगर रियली वो तुमसे प्यार करती थी, उसका ट्रू लव था तुम्हारे साथ, तो तुम्हें अभी भी भूल नहीं पाई होगी और तुम्हारे लाइफ में फिर से वापस आने के लिए एक दूसरा मौका ज़रूर वो ढूंढ रही होगी और अपने प्यार को एक सेकंड चांस ज़रूर दे। अगर इतना कुछ करने के बाद भी अगर वो नहीं मान रही है तो जस्ट छोड़ दो, क्योंकि अब कोई चांस ही नहीं बचता। अगर वो वापस नहीं आना चाहती या फिर मूव ऑन करना चाहती है तो छोड़ दो, उसे रहने दो, क्योंकि अब इससे तुम्हें भी एक बात की तसल्ली हो जाएगी कि अगर वो मेरे लाइफ में वापस नहीं आती है और तो इन फ्यूचर उसे पछतावा रहेगा, तुम्हें नहीं। तुम्हारे दिल को फिर से रोना नहीं पड़ेगा कि मेरी बात जो है या फिर मेरा प्यार अधूरा रह गया। तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। होप्स हो कि मेरी टिप्स तुम्हें उससे ज़रूर मिलाएगी और उसे तुम्हारी लाइफ में ज़रूर वापस लाने में हेल्प करेगी। होप्स हो कि नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ रहो। इसके लिए चैनल पे सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।